नमस्कार नमस्कार शिवाजी गिरी साहब, हमने आपको प्रॉब्लम भी बताए, हमने आपको सोल्यूशन भी बताए। ये लोग अब आपको बेवकूफ़ बनाते हुए वन नेशन वन इमोशन और एक झंडा, आपके यानी आने वाली परिस्थितियों में भारत श्रीलंका से बदतर हालत में जाने वाला है, तो आप लोग आंदोलन ना करें, इसलिए आपके अंदर देशभक्ति की भावना डालते हुए आप लोगों से आपके घरों पे झंडे लगवाने वाले हैं तिरंगे के। और आप यहाँ पे आपके इनकम पे 95% टैक्स पे करते रहो, आपके दिलों में सिर्फ देशभक्ति 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 है, तो इस देश को कर्जे से डूबते हुए बचाते हुए आंदोलन में आओ। आप लोगों को आंदोलन में आना होगा, अगर आप पे देशभक्ति है, वन नेशन वन इमोशन है, तो 15 अगस्त के बाद में जो आंदोलन होने वाला है, उस आंदोलन में आपको आना होना चाहिए, अगर आप देशभक्त है। कल दो सहकारी बैंक जो है वो डूब गए, मल्लिकार्जुन बैंक कर्नाटका की और महाराष्ट्र में नाशिक गिरना कोऑपरेटिव बैंक, कल दो बैंक डूब गए। यही हालत सारे सहकारी बैंकों की होने वाली है। अमित शाह ने सहकार डिपार्टमेंट लिया ही क्यों खुद की तरफ? अमित शाह ने अभी जनवरी महीने में सहकार डिपार्टमेंट उसके पास लिया ही क्यों? क्योंकि इनको सहकार क्षेत्र जो है वो बर्बाद करना है। सारे प्राइवेट बैंक आपको जो भी है, करूर वैश्या हुआ, पंजाब नेशनलाइज हुआ, एक्सिस हुआ, आईसीआईसीआई हुआ, एचडीएफसी हुआ, और कोई होंगे, यूको बैंक हुआ, जो भी बैंक है, सारे के सारे डूबने वाले हैं। कैसे? कल यूक्रेन की न्यूज़ सुन लीजिए, यूक्रेन ने कल 25% उसकी करेंसी डीवैल्यूएट कर डाली, पैसा डीवैल्यूएट हो गया, ऑटोमेटिकली बैंक भी डीवैल्यूएट हो गए। बासमती पूर्वा जी, उसको वैल्यू मत दीजिए इतने, उसकी जितनी वैल्यू थी उतनी उसको दे दी हमने, उससे भी ज़्यादा दे दी है, दो बार बात कर ली, यानी बहुत वैल्यू दे दी है मैंने। अर्थक्वेक होगा, अर्थक्वेक होगा, मैंने आपको पहले ही बोला है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि अर्थक्वेक होंगे। ग्यारह बाईस को ट्रंप आएगा, आपको पता है क्या हुआ है? 11-22 को, 11-22 को जो बाइडन ने जो है दो स्टेट्स में उसके सुमन सिक्का जी धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए, उसके दो स्टेट्स के गवर्नर्स उसके चुन के आए। अब रिपब्लिकन पार्टी जो है वो मेजोरिटी में आ रही है हाउस में, 11 तारीख के उसके दो मेंबर ऑफ जो गवर्नर है वो उसके चुन के आए, तो उसने उस सत्ता में आने का जो प्रोसेस है उसमें उसने वो स्टार्ट कर दिया है। आप लोगों को ऐसे लगता है कि कल आके जैसे बोला है कि आ जाएगा, और अरे ऐसे नहीं होता है, प्रोसेस रहती है। मोदी सत्ता में आया, आपको क्या लगा? एक साथ सत्ता में आ गया, 1983 से उसको प्रिपरेशन किया जा रहा था, कब से?
1983 से, 1983 से उसकी प्रिपरेशन चल रही थी उसको सत्ता में लाने की। उसको एक्चुअली 1999 में ही सत्ता में लाने वाले थे, मगर तब अटल बिहारी और कई सारे सीनियर लीडर्स थे इसलिए उसको नहीं ला पाए। इसलिए उसको 2014 में लाया गया। और उसको लाते वक्त देखिए आप कितने बड़े बड़े बीजेपी लीडर्स को साइड बाय किया गया। तो इस बात का आप समझिए। अब कबाला का नाम आपको पता चला है, आज को 6 साल पहले कोई जानता नहीं था, भारत में कोई बात नहीं करता था कबाल के बारे में, हम लोग अकेले चिल्लाते थे। अब तुम लोगों को कबाल का नाम पता चला है और क्या एक्सपोज करते हो, स्टडी निकालते हो उसके। अब कोई अवतार भी उतार नहीं है भाई साहब, स्वघोषित कई सारे हैं। हाँ, स्वघोषित अवतार कई सारे हैं, स्वघोषित होना कुछ नहीं होता है। गरिमा त्रि के माछ उधर आई तू, ये फेक अकाउंट लेके कितने दिन घूमोगे, रियल अकाउंट से आया करो, गाली रियल अकाउंट से सुना करो। रियल अकाउंट से आया करो, गाली अगर सुननी है, अगर सच को दिल को गाली लगानी है तो रियल अकाउंट से आया करो। फेक अकाउंट से आओगे, ऐ मैं तो फेक अकाउंट से आया, मेरे को वैलिड नहीं लग रही। अरे रियल अकाउंट से आया करो। डिवाइन यूके से क्यों होंगे भाई साहब, एक्सप्लेनेशन का मौका नहीं देता हूं मैं, ब्लॉक कर दिया उस गरिमा को। जाके कहीं अपनी गरिमा और चमका जा, हमारे पास टाइम नहीं है। ये एक्चुअली मेरा ना 2014 में कहा था, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो उस एक्सीडेंट में मेरा ये हाथ और ये पैर दोनों फ्रैक्चर हुए थे। तो इसमें रॉड है और रॉड जो है ना, ये अभी बरसात वगैरह होती है, ठंडी आती है तो दर्द करता है, तो उसके लिए ये पहना है, गरम रहे हाथ, ठंडी ना लगे।